को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वो 3 दिन में गायब हो जाते हैं। ये मूवी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, जहां पर एक सीरियल किलर योंगचू को 2005 में जेल हो गई थी क्योंकि उसने 20 लोगों का मर्डर बड़ी बेरहमी से कर दिया था और इनमें से ज़्यादातर प्रोस्टिट्यूट हुआ करती थी, जिन्हें वह अपना घर पर सर्विस देने के लिए बुलाता है और फिर वो उनका मर्डर एक हथौड़े से कर देता था। योंगचू को कई बार पुलिस ने अरेस्ट किया था, लेकिन सबूत न होने के कारण वो हर बार छूट जाया करता था। योंगचू कैसे इन लड़कियों को मारकर भी बाहर आता था, हम इस वीडियो में देखेंगे, तो आगे इस वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, इस मूवी को कॉपी करके हमारे बॉलीवुड में भी एक मूवी आई थी जो कि सुपर डुपर हिट थी, और वीडियो को देखने के बाद में मुझे कमेंट में उस मूवी का नाम जरूर बताइएगा। मूवी की शुरुआत एक एक्स डिटेक्टिव जोंगहू से होती है, जो कि पहले एक डिटेक्टिव था लेकिन अब वो एक दलाल बन गया था, मतलब कि वो कस्टमर को प्रोस्टिट्यूट प्रोवाइड करवाता था। उसकी कई प्रोस्टिट्यूट लड़कियाँ गायब हो रही थी और इस कारण से उसे थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो रही थी, उसके ऊपर कर्जा भी बहुत हो गया था। फिर एक दिन जोंगहू को एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जो कि उसे एड्रेस देता है और उस पर एक प्रोस्टिट्यूट को भेजने को कहता है, जहां पर जोंगहू सॉन्ग ही को भेजता है। ये प्रोस्टिट्यूट क्लाइंट को अपनी सर्विस दे रही थी, लेकिन उसे पता चल गया था कि उसका क्लाइंट उसके सीक्रेटली कोई वीडियो बना रहा है और इसीलिए वो गुस्से में वहां से जाना चाहती थी, जिससे कि क्लाइंट का ईगो हर्ट हो गया था और वो सॉन्ग ही पर ही अटैक कर देता है। फिर कुछ देर के बाद में जोंगहू उस एड्रेस पर पहुंचता है और देखता है कि उस क्लाइंट ने सॉन्ग ही को बहुत मारा पीटा है। जोंगहू भी क्लाइंट को एक थप्पड़ मारकर उसे इसके बदले और भी ज़्यादा पैसे मांगता है। फिर इस इंसिडेंट के बाद में सॉन्ग ही भी अब धंधे को ज़्यादा नहीं करना चाहती थी। जोंगहू उसे अपने कार में ले जा रहा था, जहाँ पर सॉन्ग ही उसे गायब हो रही लड़कियों के बारे में पूछती है और उन्हें ढूंढने को भी कहती है, लेकिन जोंगहू को उन लड़कियों से कोई मतलब नहीं था, उसे तो बस अपने पैसों की परवाह थी। और यह सुनकर सॉन्ग ही बहुत नाराज होती है और बीच रास्ते में ही जोंगहू की कार से उतर कर चली जाती है, जिसके बाद में जोंगहू का असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि एक क्लाइंट को उनके पास में जो गर्ल्स अवेलेबल है उनमें से कोई भी पसंद नहीं आ रही थी और उनके पास में कोई और लड़की भी नहीं बची थी। जोंगहू फिर मिजी को उस क्लाइंट के पास में भेजने का सोचता है, जो कि अपनी तबीयत खराब होने के कारण छुट्टी पर थी। मिजी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जोंगहू उसे जाने के लिए फोर्स कर रहा था। अब अपने ऑफिस वापस जाते समय जोंगहू को एक मोबाइल मिलता है, जो कि उसकी एक मिसिंग लड़की का था। जोंगहू उसके फोन में लास्ट कॉल चेक करता है और उसे एक क्लाइंट का नंबर मिलता है, जो कि जोंगहू की कई लड़कियों से सर्विस ले चुका था। और अब जोंगहू को लग रहा था कि यही क्लाइंट शायद सभी लड़कियों को गायब कर रहा है, और इसी क्लाइंट के पास मिजी जा रही थी। जोंगहू को लग रहा था कि शायद दाल में कुछ काला जरूर है, लेकिन फिर भी वो मिजी को उसका एड्रेस देकर उसे वहाँ पर भेज देता है, ताकि वो उसका पीछा करके उस क्लाइंट को रंगे हाथों पकड़ सके। जोंगहू पुलिस की मदद भी लेना चाहता था, लेकिन उनके शहर में मेयर के ऊपर कुछ ग्रुप ने अटैक कर दिया था और पुलिस भी उन्हें पकड़ने में लगी हुई थी। अब इधर मिजी को उसका क्लाइंट अपने घर पर ले जाता है। मिजी की तबीयत पहले से ही खराब थी और वो जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जोंगहू के डर से वो चुपचाप क्लाइंट के साथ में जा रही थी। और यहाँ पर जोंगहू उसका पीछा कर रहा था और वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ तक मिजी अपनी कार को पार्क करके क्लाइंट के साथ में गई थी। मिजी क्लाइंट के घर पहुँचते पर जोंगहू को मैसेज करके इन्फॉर्म करती है कि वो क्लाइंट के पास पहुँच गई है, लेकिन इस बार जब वो बाथरूम में जाकर उसे मैसेज करती है तो देखती है कि उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है। मिजी खिड़की से हाथ बाहर निकालकर सिग्नल ढूंढ रही थी, लेकिन सारे एंट्रेंस दीवार से ब्लॉक थे, जो कि बहुत अजीब बात थी। मिजी को फिर बाथरूम में खून के निशान और किसी लड़की के बाल दिखते हैं, जिससे वो घबरा गई थी। और वो बाथरूम से बाहर आती है और उसके क्लाइंट युमिन से बहाना बनाकर बाहर जाने को कहती है, लेकिन वो देखती है कि मेन डोर पर ताला लगा हुआ है, जिसके बाद में यंग मिन मिजी पर अटैक करके उसे रस्से से बांध देता है और अपना एक बैग लाता है जिसमें टॉर्चर करने के औजार थे। मिजी बहुत डर चुकी थी, वो यंग मिन से खुद को छोड़ देने को कह रही थी क्योंकि उसकी एक 6 साल की छोटी सी बच्ची भी है, लेकिन इसका यंग मिन पर कोई भी असर नहीं पड़ता और यंग मिन उसे एक छेनी और हथौड़े से मारने वाला था। मिजी छटपटा रही थी और इसीलिए यंग मिन उसे हथौड़े से मारकर बेहोश कर देता है। वो उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी उसके घर के दरवाजे पर एक कपल आते हैं और ये लोग मिस्टर पार्क से मिलने आए थे, जो कि इस घर का असली मालिक था। उन्हें यंग मिन ये कहकर भगा देता है कि यहाँ पर कोई भी मिस्टर पार्क नहीं रहते हैं। वो कपल मिस्टर पार्क के कुत्ते को पहचान जाते हैं और उन्हें वहाँ पर कुछ अजीब लगता है और इसी कारण उन्हें बहलाने के लिए यंग मिन उन्हें घर के अंदर बुलाकर दोनों को मार डालता है। यहाँ पर जोंगहू मिजी को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका फोन नहीं लगता और उसे समझ आ गया था कि मिजी के साथ में कुछ गलत जरूर हुआ है और वो उसे ढूंढने लग गया था। यंग मिन उन कपल को मार चुका था और वो उनकी कार को ठिकाने लगाने जा रहा था और सडनली उसकी कार जोंगहू की कार से टकरा जाती है। जोंगहू अपनी कार से बाहर आकर यंग मिन से कहता है
कि वो अभी जल्दी में है और वो उसका डैमेज टेक करवा देगा। वो यंगमिन का नंबर मांगता है लेकिन यंगमिन उसे अपना नंबर नहीं देता और कार के अंदर से जोंगहुन यंगमिन के शर्ट पर खून के धब्बे देख लेता है, जिसे देखकर उसे शक होता है और जोंगहुन अपने क्लाइंट के नंबर पर कॉल करता है और उसके कॉल करते ही कार के अंदर बैठे यंगमिन का फोन बज उठता है। मतलब कि जिस क्लाइंट को जोंगहुन ढूंढ रहा था वो उसके सामने था और अपने आप को बचाने के लिए यंगमिन कार से निकलकर भागता है, लेकिन जोंगहुन उसे पकड़ लेता है। वो यंगमिन को बहुत पीटता है और उसे अपने साथ ले जा रहा था, लेकिन वहाँ की लोकल पुलिस उन्हें लड़ता हुआ देख लेती है और वो उन दोनों को ही अरेस्ट कर लेती है। और पुलिस स्टेशन में आने पर यंगमिन ये कबूल लेता है कि उसने दो लड़कियों का मर्डर किया है। अब जोंगहुन एक एक्स डिटेक्टिव था और उसका एक्स पार्टनर वहाँ पर आकर पुलिस ऑफिसर से यंगमिन को उन्हें हैंडओवर करने को कहता है, जिसके बारे में वो वेन से कहीं जा रहे थे, जहाँ पर रास्ते में यंगमिन का कहना था कि शायद मिची जिंदा हो सकती है, लेकिन पुलिस को ये डाउट था कि शायद यंगमिन झूठ बोल रहा होगा। अब स्टेशन में इंटरोगेशन के दौरान यंगमिन ये बताता है कि कैसे वो मासूम लड़कियों को हथौड़ी और छेनी से मारता है। वो फिर उनके शरीर का पूरा खून बाहर निकालकर उन्हें दीवार पर टांग देता है, जैसे कोई कसाई अपनी दुकान में मांस को टांगता है। पुलिस उसका कन्फेशन ले रही थी, लेकिन जोंगहुन को उस पर बड़ा गुस्सा आ रहा था और वो चाहता था कि यंगमिन छूट जाए और वो उसे उसके लड़कियों का बदला ले ले। वो कहता है कि यंगमिन ने किसी का खून नहीं किया है, वो झूठ बोल रहा है और इसीलिए पुलिस उसके शर्ट पर लगे खून का डीएनए मिजी से मिलाती है। वो मिजी के घर जाते हैं, जहाँ पर बेचारी मिजी की छोटी सी बच्ची अकेली थी। जोंगहुन को उसे देखकर बहुत बुरा लगता है और वो डिसाइड करता है कि जब तक मिजी नहीं मिल जाती तब तक वो उसकी बच्ची का ध्यान रखेगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि यंगमिन को पहले भी मर्डर के लिए कई बार अरेस्ट किया गया है, लेकिन सबूत न होने के कारण उसे घर पर छोड़ दिया जाता था। जोंगहुन फिर अपने खुद के इन्वेस्टिगेशन में करता है और वो यंगमिन के होम टाउन जाता है उसके बारे में जानने के लिए, जहाँ से उसे ये पता चलता है कि यंगमिन को अपने भतीजे का सर फोड़ देने के लिए पहले भी जेल भेजा गया था। फिर कुछ और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जोंगहुन देखता है कि यंगमिन ने पहले एक लड़के को बुलाया था और वो अभी तक जिंदा है, जो कि उसके पास से बचकर आई इकलौती लड़की थी। जोंगहुन उस लड़के के पास में पहुंचता है, जो कि उसे बताती है कि असल में यंगमिन एक आदमी नहीं बल्कि वो इंपोर्टेड है, यानी कि यंगमिन की सेक्सुअल पावर कुछ भी नहीं है। जोंगहुन के मैनेजर को फिर यंगमिन का पुराना घर मिलता है, लेकिन वहाँ पर भी मिची नहीं थी। लेकिन जोंगहुन देखता है कि दीवारों पर कई सारे धार्मिक पेंटिंग्स हैं। फिर इधर स्टेशन में एक ऑफिसर यंगमिन का इंटरोगेशन कर रहा था। वो पूछता है कि क्या वो अपनी सेक्सुअल डिजायर न पूरा करने के कारण लड़कियों को मारता है, जिस पर गुस्सा होकर यंगमिन उस ऑफिसर पर अटैक कर देता है। फिर इधर जोंगहुन जब यंगमिन के घर से अपनी कार के पास आता है तो मिजी की बेटी वहाँ नहीं थी और वो देखता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और इसीलिए वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। जोंगहुन का बड़ा गुस्सा आ रहा था क्योंकि पुलिस कुछ नहीं कर रही थी और वो परेशान होकर खुद स्टेशन जाता है और वो वहाँ पर जाकर यंगमिन को बहुत मारता है। पुलिस ऑफिसर भी उसे मारने देते हैं क्योंकि वो भी यंगमिन की इस हरकत से गुस्सा थे, क्योंकि वो भी सीनियर ऑफिसर के ऑर्डर के बिना कुछ भी नहीं कर सकते थे। जिसके बाद में यंगमिन पुलिस को लड़कियों की बॉडीज की लोकेशन बता देता है और पुलिस पूरी टीम के साथ में यंगमिन के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए उस लोकेशन पर जाकर खुदाई कर देती है। लेकिन जोंगहुन का यह कहना था कि यंगमिन ने उन्हें गलत लोकेशन बताई है ताकि वो उनका टाइम वेस्ट कर सके, लेकिन उसी बातों को कोई भी नहीं मानता। इधर पुलिस स्टेशन में यंगमिन का वकील भी आ गया था और वो देखता है कि यंगमिन को बहुत मारा गया है, जिसके लिए वो पुलिस चीफ से उसकी बेल के लिए मांग करता है। वो ये भी कहता है कि पुलिस असली कातिल को नहीं पकड़ पा रही है, इसीलिए उन्होंने यंगमिन को पकड़ा और उन्होंने जोंगहुन को भी जाने दिया, जबकि उसने यंगमिन को बहुत ज्यादा पीटा है। और वकील की इन बातों से अब पुलिस जोंगहुन को पकड़ने के लिए चली जाती है। वो उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे तो वो बचने की कोशिश करता है और उनकी वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ पर वो अपने एक्स पार्टनर की मदद से बचकर भाग जाता है और इधर यंगमिन को पुलिस ने छोड़ दिया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिजी सच में जिंदा है, उसे होश आता है और जैसे तैसे वो खुद को खोलने में कामयाब होती है। वो देखते हैं कि यहाँ पर कई सारी लड़कियों की लाशें हैं, कुछ तो घर के अंदर है और कुछ बाहर जिन्हें कुत्ते खा रहे हैं। वो जैसे तैसे यंगमिन के घर से निकलकर भागती है और पास के एक दुकान में मदद मांगती है। वो जोंगहुन को कॉल करती है लेकिन जोंगहुन फोन नहीं उठा पाता क्योंकि वो पुलिस से भाग रहा था। मिजी मदद के लिए लगातार जोंगहुन को कॉल कर रही थी, जिसके बाद में वो कुछ देर वहीं पर शॉप में आराम करती है। लेकिन तभी यंगमिन भी उसी शॉप में आ जाता है सिगरेट लेने के लिए। वहाँ की शॉपकीपर उसके चेहरे पर निशान देखकर ये कहती है कि कोई आदमी सभी को बिना वजह के मार रहा है। यंगमिन वहाँ से जा ही रहा था कि तभी शॉपकीपर उसे कुछ देर और रुक जाने को कहती है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि वो पागल आदमी यहाँ पर उस लड़की के पीछे वापस नहीं आ जाए। यंगमिन उस शॉपकीपर से एक हथौड़ी मांगता है और शॉपकीपर को भी लगता है कि वो उन्हें बचाने आया है, लेकिन यंगमिन उस हथौड़ी से उसे शॉपकीपर को ही मारकर मिजी के पास में आ जाता है और फिर वो उस हथौड़ी से मिजी पर कई बार करता है और फाइनली वो मिजी को मार ही डालता है। फिर कुछ देर के बाद में जोंगहुन पुलिस सायरन सुनकर शॉप के पास में आता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि जोंगहुन ने फिर एक लड़की को मार डाला है।
लेकिन इस बार उस लड़की की एक छोटी सी बच्ची भी थी। जोंगू अपने आप को हरा हुआ महसूस कर रहा था क्योंकि वो मिजी को नहीं बचा पाया और उसने जबरदस्ती मिजी को यंगमिन के पास में भेजा था। अब यहाँ पर यंगमिन अपने ठिकाने यानी कि मिस्टर पार्क के घर पर आता है, जहाँ पर वो मिजी के कटे हुए हाथ और सर को फिश टैंक में रखकर उसे देख रहा था। पुलिस को मिजी की लाश कहीं नहीं मिलती और अब यह खबर पूरे शहर में थी और इसीलिए पुलिस अब यंगमिन को ढूंढने में लगी हुई थी। अब फिर जोंगू उस शॉप में आता है जहाँ पर मिजी को मारा गया था। वो अपना फ़ोन चेक करता है जिसमें मिजी का मैसेज था, जो कि उसने तब किया था जब वो बाथरूम में थी, जिसमें वो कह रही थी कि वो अब इस जॉब से थक चुकी है और अपने इस धंधे को छोड़कर अपनी बच्ची के साथ में खुशी से जीना चाहती है। और ये मैसेज बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। अब यहाँ पर यंगमिन उन कपल की बॉडी को मिस्टर पार्क के बैकयार्ड में दफना कर उस कुत्ते को भी मार डालता है और उसे भी दफना देता है। जोंगू पूरी तरह से टूट चुका था। वो चर्च में जाता है जहाँ पर वो नोटिस करता है कि ये चर्च की स्टैचूज यंगमिन की पेंटिंग से काफ़ी मैच करती है और उसे ये भी पता चलता है कि मिस्टर पार्क इस चर्च के आर्टिस्ट थे और यंगमिन उनका असिस्टेंट था। और पता लगते ही वो मिस्टर पार्क के घर जाता है जहाँ पर यंगमिन शहर छोड़कर जाने वाला था, लेकिन जोंगू उस पर अटैक कर देता है और उसे घसीटकर वापस से घर में ले आता है। और उसे घर में लाने के बाद में वो उसे बहुत ज़्यादा पीटता है क्योंकि वो मिजी का बदला उससे ले रहा था। तभी वो मिजी का कटा हुआ सिर फिश टैंक में देख लेता है और अब उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो यंगमिन को उसी की तरह हथौड़े से जान से मारने वाला था। लेकिन तभी पुलिस अपनी टीम के साथ में वहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद में यंगमिन को अरेस्ट कर लिया गया था, जिसके बाद में मिस्टर पार्क के घर में जितनी भी लाशें गड़ी हुई थी उन्हें बाहर निकाल लेते हैं। मूवी के एंड में जोंगू मिजी की बेटी के पास हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ता है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, शायद आप में से कई लोगों ने हमारी बॉलीवुड में बनी एक ऐसी मूवी जरूर देखी होगी और अगर आपने देखी है तो नीचे कमेंट में उसका नाम लिखकर जरूर भेजें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि जल्दी ही हम 1,00,000 तक पहुँचने वाले हैं।